जमशेदपुर में जिला भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। देश भर में भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत आगामी 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विस्तार पूर्वक उनके कार्यों को बताया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने सामूहिक रूप से इसका उद्घाटन किया। वहीं एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसके बाद जिला भाजपा की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन ब्लड बैंक में किया गया। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का इस वर्ष आज 72 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर मैं झारखंड के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित 3.25 करोड़ जनता की ओर से ईश्वर से आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इसी तरह माँ भारती की सेवा वो करते रहे। एक ऐसे नेतृत्व का साथ लगभग 8 साल बिताने का अवसर प्राप्त हुआ, जो नए भारत का निर्माण करते हुए अपने आँख से हम लोग देखें, एहसास किए, अनुभव किए। जिन्होंने बड़े भाई हमारे पूर्व सीएम ने जो बोले कि बचपन से ही सेवा भावना उनका मन में कूट कूट के भरा था, एक साधारण परिवार से आकर आज विश्व के क्षितिज पर जिस तरह आज देश को विश्व गुरु के की ओर ले जाने के लिए वो अग्रसरित है। हमारे देवता काल में भगवान विश्वकर्मा शिल्पकार रहे, लेकिन आधुनिक भारत का शिल्पकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी है। चाहे वो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच रहा अंत्योदय का, उसको पूर्ण करते हुए ना उन्होंने सेवा भावना की बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए, चाहे शौचालय के मामले में हो, गैस के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, हर क्षेत्र में उन गरीबों को आंसू पूछने का काम किया जो बरसों पुराने से लोग आशा और उम्मीद से था। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।